सो हे यो, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर वंशपुरा। एक और दिन, एक और नई शुरुआत दुबई से। और आज हम जा रहे हैं एक्सपो 2020, यहाँ का सबसे बड़ा पब्लिक अट्रैक्शन, वहाँ पर हम जा रहे हैं आज। और हम ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो से, दुबई मेट्रो से। तो हमारे सामने है तो यहाँ पर ना मेट्रो स्टेशन पर डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत सारे होते हैं, और हर एक मेट्रो स्टेशन पर एक ना एक तो होता ही है। तो हमने यहाँ से एक पानी का बॉटल लिया है, और एक चॉकलेट मिल्क लिया है, और एक चॉकलेट पफ लिया है कि अगर वहाँ पर भूख लगे तो मैं ये खा पाऊँ। तो फिर चलो, ये भी एक बात अच्छी है कि यहाँ पर ये सब मिल जाता है। ये देखो, यहाँ से मैंने पानी लिया और ये भी लिया। तो अब चलो चलते हैं, इसका चेकआउट कराते हैं और बाद में एक्सपो चलते हैं। और यहाँ पर बैठने की एरिया भी है कि अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पर रेडी टू ईट फूड भी अवेलेबल है। यहाँ पर बैठ के आराम से गर्म करवा के खा भी सकते हैं। और अभी हम चलते हैं बाहर। बस अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं एक्सपो स्टेशन पर, और यहां से हमें दिखाई दे रहा है, मैं आपको बैक कैमरा करके भी दिखाता हूं कैसे दिख रहा है यहां से। ये देखो, जो सामने आपको डोम दिखाई दे रहा है वही है एक्सपो, और वही है उसका मेन जो एरिया होता है, पब्लिक एरिया। और उसके बाद में उसके चारों तरफ पवेलियंस होते हैं। तो अभी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। फाइनली अब ट्रेन से उतर चुके हैं, कुछ 20 स्टेशन थे, उसके बाद में जाकर ये एक्सपो 2020 आया है। तो ये देखो, ये हमारी ट्रेन पीछे खड़ी है, और ये देखो, ये पीछे बोर्ड है एक्सपो 2020 का, और हम फाइनली आ चुके हैं। और अब तो स्टेशन पे ही है, अब तो अंदर जाना बाकी है। मैं ये देखो, हम थे यहाँ पर अल गुबैवा पे, फिर यहाँ से हम ऐसे आए, फिर यहाँ से बिल्कुल नीचे जाकर ये है एक्सपो 2020। अभी हमारी ट्रेन यहाँ से जा चुकी है, तो मुझे लगता है अब हमें भी चलना चाहिए। चलते हैं, आई थिंक इट गोना बी फन, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। यहाँ से दिखने में आ रहा था ट्रेन से जितना, बहुत बड़ी जगह है, और मुझे अब तो कहा गया है कि ये इतनी नहीं है, ये इससे और भी बड़ी जगह है। और ये देखो, ये स्टेशन भी बनाए गए हैं, इसे फ्लोरिंग में भी लाइट लगी हुई है, वो। तो ये देखो, अब हम यहाँ से उतरेंगे और फिर वहाँ पर हमें कार्ड टैप करना है, और कार्ड टैप की जो मशीन है वो भी नहीं यहाँ पर है पूरी। और फिर उसके बाद में हम आगे निकल जाएंगे स्टेशन से बाहर। ये देखो, ये है यहाँ का ग्रैंड एंट्रेंस, और ये है मेरी टिकट यहाँ पर। तो अब टिकट दिखाते हैं और अंदर घुसते हैं। जिस चीज़ का मैं बहुत समय से इंतज़ार था, हम फाइनली बहुत देर के बाद आ ही गए यहाँ पर। मेरे पीछे जो है वो मेन एक्सपो का एंट्रेंस है, और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ का फ्लैग लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं सामने भी लगा हुआ है। ऑलमोस्ट जो भी कंट्रीज उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सभी के फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पर। और बस ये सामने गेट है, तो चलो अभी चलते हैं गेट के अंदर। यहाँ पर स्टोर भी है, अगर आपको पासपोर्ट या कुछ भी एक्सपो रिलेटेड चीज़ लेनी हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं, और यहाँ से आप मैप भी ले सकते हैं। तो मैंने ये मैप लिया हुआ है, जिससे अगर मैं खो जाऊँ तो मुझे पता चले कि जाना कहाँ है मुझे एग्जैक्टली। तो ये स्टोर अंदर से कुछ ऐसे दिखता है, और मैंने इस स्टोर में से पासपोर्ट परचेज किया था। तो अभी हम उस डोम के और करीब पहुँच चुके हैं। ये है मेरे पीछे डोम पूरा एक्सपो का। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना बड़ा होगा, पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये, वाओ। तो आ गए हम उस एरिया में जो कि है मेन डोम, जहाँ पर आपने देखा होगा जब एक्सपो की ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी वो यहाँ पर ही हुई थी। बट अभी जो क्रिसमस चल रहा है उसके वजह से पीछे देखो कितना बड़ा क्रिसमस ट्री भी रखा हुआ है, और ये है पूरा डोम बेसिकली। और इसके बाद में ना, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे ना, तो पवेलियंस शुरू होते हैं। मैं आपको मैप का भी फोटो दिखा देता हूँ, अभी स्क्रीन पर आपको मैप का फोटो आ रहा होगा। तो ये इतने बड़े स्ट्रक्चर में बनाया गया है, और हम हैं अब यहाँ पर बीच में डोम पर। तो अब डोम से जो साइड के पेटल्स निकलते हैं ना,
अब हमें उसमें से ही एक पेटल पे जाना है और हमने चार पवेलियन में बुकिंग करा के रखी है जो कि है यूएई, यूएस, सिंगापुर और इटली। तो अब चलो उस पवेलियन में चलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पवेलियंस जो है वो दिखना शुरू हो गए हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो यूएई का है, वो है यहाँ पर और इसकी भी बुकिंग कराई है मैंने। बट हम जा रहे हैं आगे बिकॉज आगे दो पहले हमें कवर करने हैं, उसके बाद रिटर्न आते वक्त यहाँ पर जाना है। तो चलो लेट्स गो। यहाँ पर कितने सारे लोग लाइन में रुके हैं, बट ऑनलाइन में एक स्मार्ट क्यू करके ऑप्शन होता है, अगर आप वहाँ से टिकट बुक कराओगे तो आपको डायरेक्ट एंट्री भी मिल जाएगी। ये देखो, ये जिन्होंने ऑनलाइन बुक नहीं कराई है ये लाइन उनके लिए है, और ये सब यूएई पवेलियन एंटर होने के लिए यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बुकिंग कराई तो आप कौन से भी टाइम पे जा सकते हो, स्पेसिफिक टाइम जोन में आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। तो अभी 11 बज रहे हैं और मैंने 11:15 से लेकर 11:30 तक इटली की बुकिंग कराई थी, तो अब मैं इटली वाले में फर्स्ट जा रहा हूँ देखने के लिए। ये यहाँ का गेट पे है और यहाँ पर सब लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग। यहाँ पर फाउंटेन भी है, डिजिटल स्क्रीन्स भी हैं और यहाँ पे फूड कोर्ट भी है अल्बेक का। ये जो रेड स्ट्रैप है ना, उस पर चलने का एक ये फ़ायदा है कि ये पूरा रबर से बनाया हुआ है, रबर या फोम से। तो आप जैसे इसके ऊपर पैर रखोगे ना, आपके पैरों पे प्रेशर नहीं आएगा, डैट मीन्स आप थकोगे नहीं, डैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा घूम पाओगे। सो दिस इज़ अमेजिंग। तो ये आप इटालियन फ्लैग देख सक रहे होगे। तो ये जो है वो इटली का ही पवेलियन है। तो अभी चलो यहाँ पर चलते हैं। तो मेरी जो सामने है वो है इटली का पवेलियन, ये रहा। तो अब ऊपर चलकर देखते हैं। ऊपर आके हम लोग आ गए यहाँ पे, यही है इटली का पवेलियन। अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग है, अब ऊपर चढ़ना है और बाकी है एक्सप्लोर करना। तो चलो लेट्स एक्सप्लोर। देखो कितना अमेजिंग है, ये ऐसे वॉकअवेज बनाए गए हैं जिसके ऊपर हम चलकर पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और नीचे और साइड पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आर्किटेक्ट पे देखो कितना ध्यान दिया गया है, पूरा इटालियन टाइप बनाया हुआ है, और जितना वो लोग ग्लोरीफाई कर सके उतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो मेनली जाना जाता है फैशन और डिज़ाइनिंग के वजह से। तो ये देखो डॉल्चे एंड गबाना के ड्रेसेस यहाँ पर लगाए हुए हैं, और सारे फैशन के रिलेटेड जो भी स्टफ़ है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये है द स्टैचू ऑफ मेमोरी, डेविड स्टैचू, और अगर आप ये QR कोड स्कैन करोगे ना तो आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यही है वो स्टैचू, देखो ध्यान से, और साइड में पूरा का पूरा इटालियन आर्किटेक्ट किया गया है पूरी तरह से। जो भी डिज़ाइनिंग है यहाँ की, वॉल से लेकर स्टैचू से लेकर पिलर्स जो भी हैं, सारे के सारे इटालियन टाइप के ही बनाए गए हैं। और ये जो एरिया है वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि हर एक कंट्री जो यहाँ पर आती है वो अपने बारे में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के बारे में सब बताते हैं। तो ये देखो सामने बड़ी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप, ये देखो इसका इफेक्ट ऐसे दिया गया है कि जैसे ट्रेन जा रही हो, बट रियल में ये सिर्फ LCD स्क्रीन है। जो पवेलियन था वो सिर्फ इतना ही था, और निकलने के टाइम पे हम अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। यहाँ पर ना ऐसे सामने हम यहाँ से जैसे ही निकले ना इटली के पवेलियन से, यहाँ पर जो है वो है विजिटिंग सेंटर, विजिटिंग सेंटर जिसके अंदर कैफेटेरिया है, फिर वॉशरूम है, यहाँ पर जूम भी है। जूम यहाँ का एक मार्ट होता है जहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें और हर कुछ। तो ये बहुत सारे यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये है थर्ड नंबर वाला। हम अब इटली से निकले, और ये है इसराइल, और ये वाला है इंडिया, और इसके सामने है कजाकिस्तान इस तरफ। इंडियन पवेलियन, इसकी बुकिंग नहीं कराई थी तो स्मार्ट क्यू से हम नहीं जा पाएंगे, तो हमें नॉर्मल जैसे सब लोग जा रहे हैं वैसे करके जाना पड़ेगा। बट इट्स गुड कि यहाँ पर भीड़ नहीं है तो हम इजीली पहुँच जाएंगे। तो ये देखो ये है इसका एंट्रेंस गेट, जहाँ पर हर एक भाषा में वेलकम लिखा हुआ है, वेलकम, फिर स्वागतम लिखा हुआ है, फिर अभिनंदन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में गुजराती में पधारो भी लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी भाषाओं में लिखा हुआ है। ये देखो इंडिया के पवेलियन में एंटर होते ना, सबसे पहले यहाँ पर स्पेस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ISRO के बारे में। यहाँ पर पीछे रॉकेट्स रखे हुए हैं, फिर जो भी मिशन आगे होने वाले हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देखो कितना अच्छे से एम्बियंस सजाया गया है यहाँ का।
एस्ट्रोनॉट के सूट्स भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक सूट भी रखा हुआ है जो कि है ISRO का, ये देखो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर ऊपर सारे प्लैनेट्स लगाए हुए हैं देखो लाइन वाइज। यहाँ पर PSLV का एक रॉकेट रखा गया है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर SLV MK3 है और यहाँ पर GSLV है। वाओ। और यहाँ पर पूरा मून का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके अंदर मून के बारे में बताया जा रहा है, ये देखो। तो अब यहाँ से शुरू होता है योगा वाला सेक्शन। यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन डेस्क भी दी गई है जहाँ पर सारे इंडियन आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये देखो। और यहाँ पर उनके लाइव एग्जांपल्स भी हैं। वो था योगा और आयुर्वेदा का इन्फॉर्मेशन। अब हम जा रहे हैं यहाँ से एस्केलेटर से ऊपर। इसके बाद में जब हम ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ पर पूरा इंडियन कल्चर के बारे में बताया गया है। पूरी की पूरी डिजिटलाइज LCD स्क्रीन से यहाँ पर 360 डिग्री में, जहाँ पर भी आप देखोगे वहाँ पर। और ये जो है वो 3D मिनिएचर है काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कि वाराणसी में बनने वाला है। जो भी चल रहा है उसके बारे में लिखा भी हुआ है, जैसे कि ये कथक था तो कथक के बारे में लिखा हुआ था। और ये अब चेंज होगा और अभी दूसरा डांस आएगा। तो ये देखो नेक्स्ट डांस है गरबा, उसके बारे में लिखा हुआ है और सामने पूरी स्क्रीन पे वही चल रहा है। आईपैड है ना, उसमें आप पूरा 3D स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं इस प्लेस का, जैसे कि यहाँ पर। तो मेरे पीछे अभी आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर जो है वो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में जो भी अभी बढ़ रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो मेक इन इंडिया के बारे में भी बताया गया है बहुत ही अच्छे से। और इसके अंदर जो भी गियर्स है ना वो सारे मूव कर रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो वाओ। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया जा रहा है, ये देखो द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। ऐसा फ्रेम बनाया गया है कि अगर आप यहाँ पर बैठोगे ना तो सामने कोई भी सीट नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ आकर बैठना है। अगर आप यहाँ पर आकर बैठोगे ना तो इसमें ऐसा दिखाई देगा कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठे हो। जैसे कि देखो अभी एक लेडी यहाँ पर जाके बैठेंगे, तो ये देखो ये देखो था वो लास्ट था। हम यहाँ से एंटर हुए थे ये सामने वाली गेट से और यहाँ से अब एग्जिट है बाहर। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा वहाँ पर ख़त्म हो गया बट वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ था और एक लास्ट सेक्शन बाकी है जहाँ पर इंडिया के सारे टेम्पल्स मॉन्यूमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये देखो हमारे पीछे लाल किला है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर यहाँ पर देखो तंजावुर टेम्पल है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर पीछे सारा इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसके बारे में भी दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन जहाँ पर मैं जाकर आया हूँ। ये है स्वामीनारायण मंदिर जो कि आबू धाबी में बनने वाला है, ये देखो। उसके बारे में भी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो कैसे दिखेगा उसके बारे में भी पूरा बताया गया है। और यहाँ पर गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है और एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कितना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। और यहाँ पर जो अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है उसके बारे में भी बताया गया है और उसका एक मिनिएचर स्ट्रक्चर भी दिया गया है। और यहाँ पर आईपैड्स भी हैं जिसकी मदद से आप देख सकते हैं। वाओ। तो जैसे ही हम इंडिया के पवेलियन से बाहर निकलेंगे, इंडिया पवेलियन वालों ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी और फन एक्टिविटी रखी हुई है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया जाएगा कॉफ़ी से बनाया हुआ नेचुरल कलर्स और फिर वुड से बनाई हुई नेचुरल पेंट ब्रश जिससे हम अपना नाम लिख सकते हैं, वो भी खादी के कपड़े के ऊपर। और फिर ये जो हमारा आर्ट वर्क है वो प्रेजेंट किया जाएगा ऑन द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ खुद का नाम और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर।
अभी घूम के आए, अब हम जा रहे हैं यूएसए। तो यूएसए के पवेलियन में अब जा रहे हैं, हमें सामने यूएसए का पवेलियन दिख रहा है। एक बात आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर ऐसे पासपोर्ट्स भी मिलते हैं जिसके ऊपर आप अपने जो भी कंट्रीज में यहाँ पर विजिट कर रहे हो ना उसके स्टैम्प्स भी लगा सकते हो। तो ये देखो मेरे पीछे है पूरा का पूरा यूएस पवेलियन। तो चलो वहाँ पर चलते हैं, लेट्स गो। ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये है इसका पूरा का पूरा पवेलियन, इसका स्टार्टिंग। हेलो, थैंक यू। Please, greetings. It is my honor to welcome you to the USA Pavilion at Expo 2020 Dubai. आपको चलने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट जा रहा है जहाँ पर लोग चल के डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का हाथ है वो यहाँ पर रखा गया है, और उसके हाथ में जो मशाल है वो यहाँ पर दिखाई गई है। हम घूमते घूमते आ गए यहाँ, और यहाँ पर पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूरा बताया जा रहा है। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये बनाई गई है पूरी की पूरी स्क्रीन, ऐसे लग रहा है कि स्टार्स बाहर आ रहे हैं। स्टीव जॉब्स के बारे में बताया गया, और यहाँ पे उनका फोटो है, और सबसे पहला जो आईफोन उन्होंने लॉन्च किया था वो भी यहाँ पर है। तो जैसे मैंने आपको इंडिया में दिखाया था ISRO का सेक्शन था, स्पेस और रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन का, ये वाला जो है वो नासा के बारे में है, और यहाँ पर जो है वो जो नासा का मार्स रोवर था वो यहाँ पर रखा गया है। मुझे इसका नाम तो याद है, बट ये देखो वाओ। और यहाँ से बाहर निकलने का एरिया है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। हमने ऐसे वीडियोस में देखा है, ये देखो यहाँ पर इलॉन मस्क का जो प्रोजेक्ट है फाल्कन 9 स्पेस एक्स का वो भी रखा गया है। यहाँ पर देखो यहाँ पर है यूएस का स्टैम्प जो कि आप लगा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट स्टैम्प इट हियर, थैंक यू सो मच। ने अपने जो पासपोर्ट था एक्सपो का उसके ऊपर यूएस का स्टैम्प भी लगवा दिया है। तो ये देखो ये रहा यूएस का स्टैम्प। तीन पवेलियन कवर हो गए, पहला था इटली, दूसरा था इंडिया, और थर्ड है यूएस, तीनों हो गए। अभी चलते हैं आगे, अब तो और भी कवर करने बाकी है। तो ये था यहाँ का एग्जिट जहाँ से मैं आया, और ये था वो एरिया जहाँ से मैं गया था। ओके, तो अभी मैं यहाँ से यूएस पवेलियन से बाहर आया, और अभी यहाँ पर ये नाश्ता खा रहा हूँ मैं। तो ये खाने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। इसको जो से निकल के थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके अभी हम लोग चल पड़े हैं यूएई की तरफ, जो कि है दुबई वाला पवेलियन। तो ये देखो यहाँ पर है कजाकिस्तान ऑन दी वे, यहाँ पर है एमिरेट्स का पवेलियन, फिर वहाँ पर है जेरूसलम का पवेलियन, बट हमें जाना है यूएई का बिकॉज उसका बुकिंग मैंने ऑलरेडी करा के रखा है, और टाइमिंग है 12:30 का, और अभी हो रहे हैं, अभी 12:30 हो चुके हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं। तो ये जो पैसेज है वो हमें लीड करेगा यूएई पवेलियन की तरफ, तो यही है यूएई पवेलियन, यूएई का पवेलियन। और यहाँ पे ना विंग्स और फ्लैप के जैसे डिजाइन बनाए गए हैं जो कि खुलते भी हैं। इससे पहले कोई पवेलियन में नहीं था, बट यहाँ पे हमें वेटिंग नंबर दिया गया है जो कि है 5, तो हमें यहाँ पर अभी वेटिंग करना पड़ेगा इस एरिया में। और ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो ना वो पूरा ईगल के शेप में बनाया गया है, और मैं जो आपको बोल रहा था ना वहाँ पर कि विंग्स खुलते हैं, तो यही है वो विंग्स, ये जॉइंट स्ट्रक्चर जिनके विंग्स भी खुलते हैं। तो यहाँ पर है ना पूरी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट भी है जहाँ पर सारे लोग बैठे हैं जब तक हमारे टिकट का नंबर ना आए। फिर अभी हमारे टिकट का नंबर है 5, और अभी शायद से 2 जो है वो लोग अंदर गए हैं, तो बस अब 3 के बाद हम लोग भी अंदर ही जाएंगे। दोनों साइड पे वाटर पूल्स बने हुए हैं, कितना क्लीन एंड क्लियर वाटर है यहाँ पर, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखो ये साइड, और ये तो सिर्फ एंट्रेंस है का गेटवे। देखो जैसे ही हम एंटर हुए ना यहाँ पर सैंड ड्यून्स रखे हुए हैं, और ये रियल सैंड है देखो, वो तो देखने से ऐसे लगता है कि ये फेक है, बट नहीं ये रियल सैंड है। ये देखो और एक बार,
और इसके ऊपर ऊपर प्रोजेक्ट ऐसे देखो, लाइट भी डाली जा रही है। वाओ, जस्ट लुक एट दिस। पर एक छोटा सा सिनेमा थिएटर टाइप भी बनाया गया था जो कि हमें लगभग 180 व्यू दे रहा था। उसके बाद में हम यहाँ से बाहर निकले और ये देखो इसके ऊपर एक्सपो का कितना बड़ा लोगो है। उसके बाद में हम यहाँ से बाहर निकले और अभी चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन डेस्क टाइप है जहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको बहुत अच्छे से जानना हो तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार रीड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फास्ट से क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। तो ये देखो, ये इतना बड़ा हॉल है यहाँ पर। तो चलो अब यहाँ से एग्जिट गेट से बाहर चलते हैं। ये हो गए हम एग्जिट यूएई के पवेलियन से और हमने 4 पवेलियन घूम लिए और अभी टाइम हो रहा है 1:20। अभी तो और घूमना बाकी है, लेट्स एक्सप्लोर। तो ये है पूरी ट्रेन जहाँ पर हम बैठ के पूरा एक्सपो घूम सकते हैं, ये देखो। और ये जो है वो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मतलब सऊदी अरेबिया का पवेलियन है। तो अब हमें इधर ही जाना है तो इधर चलते हैं अभी। ये देखो अभी यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ का एंट्रेंस, ये देखो। और अभी तक हम क्यू में ही हैं। जो है वो डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है, ये देखो। जाते हैं दूसरी जगह पे जो कि है नीचे। तो ये जो आगे पवेलियन आने वाला है वो है अपॉर्चुनिटी पवेलियन। तो ये देखो, यहाँ पे फॉर्मूला 1 रेसिंग भी होती है। तो देखो उसका ट्रैक भी दिया हुआ है और उस पर रेसिंग कैसे हो रही है वो भी बताया गया है। अभी सऊदी के पवेलियन से तो हम घूम के आए बट अभी उसका स्टैम्प भी लेना है पासपोर्ट पे, पर वो कहा गया है कि वो नीचे है, तब वही हम नीचे जा रहे हैं बिकॉज लिफ्ट यहाँ की बंद है। सो डेट इज इट, सऊदी अरेबिया का जो पवेलियन था वो इतना ही था। तो अब चलो चलते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा पवेलियन हमें मिलता है। जैसे बाहर आ गए और यहाँ पे ऐसी सिटिंग एरिया है और सामने है जूम। जूम मैंने आपको बताया था वहाँ से सब खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है, एक छोटी सी सुपरमार्केट की तरह है। तो वहाँ से मैंने ये खरीदा है मैंगो एंड ग्रेप जूस, तो अभी वो ट्राई करता हूँ और थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, बाद में और पवेलियंस घूमेंगे। यहाँ पर देखो कितने सारे ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हैंड सैनिटाइजर की मशीन, उसके बाद में यहाँ पर है मिक्स रिसाइकलेबल्स का एक टिन, उसके बाद में यहाँ पर एक लैंडफिल्स का है, फिर एक ऑर्गेनिक वेस्ट का भी है। तो मेरे पास अब बैग में बहुत सारे जमा हुए हैं तो उसे इसके अंदर डंप करते हैं, आ जाओ। और ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक है, ये देखो।